अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। ये जो पिछली क्लास में सवाल किया था वो इफेक्ट और नो इफेक्ट और डिक्रीज, इसी की तरह का ना एक सवाल है और होमवर्क है वो सवाल। एक ग्लास काफ़ी नहीं होता, एक ग्लास काफ़ी नहीं होता है, और ला दें दो। होमवर्क करना है कि नहीं करना है? नहीं अभी करना, अगर अभी करना है तो फिर दोपहर की ब्रेक कर लें और फिर 5 बजे तक। एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ और एक कुछ देर बाद भी दूंगा। अरे छोटे छोटे से सवाल होते हैं यार। ये जो पिछले सवाल जैसा इफेक्ट नो इफेक्ट इंक्रीज वाला सवाल है ना, ये है स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 3। स्प्रिंग 23 बुक में नहीं होगा। ये पहले किया हुआ है और ये भी कुछ दिन पहले भी किया है, गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल, तो ये आपके ग्रुप में कहीं आया होगा और ऑनलाइन वाले तो आई कैप से डाउनलोड कर लें। तो स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 3 था। स्प्रिंग यानी मार्च। ये अभी जैसे पहले सवाल किया था ना, ये उसके जैसा और सवाल है, ये होमवर्क है। करना है। और ये ट्यूसडे को जवाब आ रहे हैं तो ये और एक और दो सवाल होंगे, दो। जी जी मैं बताता हूँ, कुछ देर तक बताता हूँ। शुक्रिया। अब हम करते हैं फाइनली कमेंट्स वाले सवाल, जो रेशियो एनालिसिस है। चले काफी है। नहीं यार सो जाएंगे फिर आप लोग। किसी भी कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं या अगले पिछले साल का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये रेशियोज कैलकुलेट होके कंपैरिजन होता है और जीपी हायर बेटर होती है। इसके ना पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, यानी क्यों पिछले साल अगर जीपी रेशियो 20% थी, इस साल 25% हो गई तो क्यों ज्यादा हुई होगी? अच्छा देखें, जीपी रेशियो बड़ी है तो जाहिर है कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है और सेल्स बढ़ी है, ये तो रीजन नहीं है। तो अगर कहीं जीपी बढ़ गए तो बढ़ा है, तो जीपी रेशियो ज्यादा हुई है, क्यों बढ़ गया, सेल्स क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी शायद इंप्रूव हुई, उसकी वजह से सेल ज्यादा हुई, प्राइस ज्यादा कर ली, डिस्काउंट क्या परचेज पे डिस्काउंट आ गया, मैन्युफैक्चरिंग खर्चों में एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। और अगर जीपी रेशियो खराब हो गई है तो इन्हीं को अलर्ट कर दे, ये होते हैं पॉसिबल रीजंस। तो इस पे जब कमेंट्स के सवाल होते हैं ना, जरूरी नहीं कि वर्ड कमेंट लिखा हो, डिस्कस भी हो सकता है, लेकिन एक है सिर्फ कैलकुलेशन के सवाल जो पिछली क्लासेस में कर लिए, दो सवाल कर लिए बहुत थे, बाकी भी इस प्रैक्टिस इसकी अभी 2-3 दिन होमवर्क चलेगा क्योंकि पक्का सवाल है पेपर का, ये मुश्किल नहीं है तो है, आसान भी नहीं है तो ये नहीं सोचने वाला सवाल वही था, बाकी कैलकुलेशन का सवाल उस पिछले सोचने वाले सवाल से पहले वाले मुश्किल सवाल से, हाँ तो बस उसी तरह का ही है। तो या तो सिर्फ कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, सीधी सीधी कैलकुलेशन भी हो सकती है या थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जिसमें रेशियोज के नाम लेने की बजाय हिंट्स दिए हुए थी कैलकुलेशन ही। और कमेंट्स या तो बिल्कुल शॉर्ट सा कमेंट, जैसे वो उसमें एक एक लाइन बतानी थी कि कौन बेहतर लिक्विडिटी है, कौन ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, या फिर कमेंट्स करने हैं। अब ये जो कमेंट्स करने हैं ना,
इस सवाल को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। ये नूर नजर आ रहा है? अच्छा, ये गुलबर्ग वाले बच्चे जो आए हैं वो, ये नूर जो है ना, ये नूर खान है, ये कैमरामैन है नूर। मैं कहीं नूर नजर आ रहा है तो वो नूर खान से पूछ रहा हूं। अगर बिजनेसेस के रेशियोज कैलकुलेट करके उस पर कमेंट भी मांगा हुआ है, लेकिन सवाल में कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है, इसकी मिसाल मैं इधर सामने एक सवाल खोल के दिखा देता हूं। जैसे देखें, ये एक सवाल है, स्प्रिंग 18 अटेम्प्ट का एक सवाल था, और इसमें इंडस्ट्री की ये रेशोज दी हुई है और कहा है कि कंप्यूट बीएल कंपनी का नाम है, रेशोज फॉर कंपैरिजन विद इंडस्ट्री। बीएल की कौन सी रेशोज निकालनी है? यही वाली, ये इंडस्ट्री की गिवन है और इससे ऊपर बीएल की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो इनसे हमने रेशोज निकालनी है। कौन सी? ये वाली, ये आ गया 4 नंबर। फॉर ईच रेशो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन। अब आपको इस सवाल के अंदर ना बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हैं, बस कोई कहानियां नहीं बताएंगे, तो फिर जो रीजंस होंगी वो आप भी जनरल रीजंस ही बता रहे होंगे। इस सूरत में आंसर में फिर जनरल रीजंस होंगी। लेकिन हो सकता है सवाल के अंदर कहानियां हों, जैसे ये एक सवाल था ऑटम 18, और इसमें ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बताने के अलावा ये कहानियां बताई हुई हैं कि सेल्स बढ़ाने के लिए प्राइस कम कर ली थी, फिर इसके अलावा सप्लायर ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, नई बिल्डिंग किराए पे ली थी, किराए पे थी, फिर उसको बाद हमने ख़रीद लिया, ये सारी कहानियां हैं। अब जब इस तरह की कहानियां सवाल में बता दी, और मिसाल दिखाता हूं, एक बिजनेस की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है, इंडस्ट्री की रेशोज दी, पिछले साल की रेशोज दी हुई है, और पार्ट ए रिक्वायर्ड है, कौन सी रेशोज? यही वाली। और पार्ट बी रिक्वायर्ड है, पॉसिबल रीजंस बताने हैं, लेकिन आपको अच्छी खासी कहानियां बताई हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहानियां बताई हैं तो फिर आपने जो रीजंस बतानी है ना, फिर तुक्के नहीं मारने, फिर आपने उस डाटा के अकॉर्डिंगली रीजन बतानी है। क्या? जी 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 बिल्कुल। ये जो कमेंट्स वाला सवाल होगा ना, इसमें एग्जामिनर मार्क्स देते हुए बहुत लीनियंट होगा, क्योंकि एक तो ये एफ ईयर वन लेवल की चीज है नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस होता है, और कोई भी एनालिस्ट तब बनता है जब वो एक्सपर्ट होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स और आप कुछ ना कुछ कह सकते हैं अंग्रेजी में, ये चेक कर रहा होगा, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर डिफरेंट होगा, लेकिन अगर मरकजी ख्याल सबका सही होगा तो मिलेंगे नंबर। तो बस फर्क यह है कमेंट्स वाले सवाल में कि एक में कहानियां नहीं होंगी तो फिर आंसर में रीजन भी जनरल होंगे, और जिसमें कहानियां होंगी तो आंसर फिर जनरल नहीं काम चलेगा, फिर आपको इन कहानियों से रिलेट करके आंसर करना पड़ेगा। वैल्यूज तो क्या मतलब? अच्छा, इसमें ना एक सवाल ऐसा आया हुआ है पास में जिसमें आई कैप वाले ने आंसर बनाते हुए वैल्यूज भी एडजस्ट की हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में वो एफ आई आर वन के बच्चे के काबिल नहीं है बात, तो उसके बाद से जो सवाल आए हैं उनमें इस तरह की हरकतें नहीं की गई हैं, बस सिर्फ आंसर करते हुए इनका रेफरेंस देना है बस। तो अगर कमेंट्स का सवाल है और कहानियां नहीं है तो जनरल रीजन है, और अगर कहानियां हैं तो फिर उन कहानियों से रिलेट करके रीजन बताने। तो कमेंट वाला सवाल या डिस्कशन वाला सवाल वो होता है जिसमें हमने रेशोज को कंपेयर करके अच्छा बुरा बताना है और पॉसिबल रीजंस बताने हैं। नंबर देख के 2-3 बुलेट पॉइंट बहुत होते हैं, 1-2 बुलेट पॉइंट भी बहुत हैं। जैसे इसे पिछले मैंने जो सवाल लिखवाया था उसमें तो उसने कहा था कि वन रीजन, और जितनी को अंग्रेजी स्टूडेंट के पास होती है कि वन रीजन के बाद उसकी अंग्रेजी वैसे भी खत्म हो जाती है, तो 1-2 रीजंस बहुत हैं। तो डिस्कशन वाले सवाल के अंदर रेशो का जो आंसर निकाल चुके उसको कंपेयर करके अच्छा बुरा बताना है और पॉसिबल रीजंस बताने।
डिस्कशन का सवाल आंसर करते हुए रेशोस कैलकुलेट हो गई, अब उनके कंपैरिजन पे आपके जवाब में अच्छा बुरा होना चाहिए कि अच्छा है कि बुरा है, और रीजन होनी चाहिए। बस याद हो गया है ना, डिस्कशन के सवाल का आंसर करते हुए जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपके डिस्कशन के आंसर में एक तो कंपैरिजन बेटर है या नहीं है ये बताना है कि कौन सा बेटर है। नहीं समझ आई? अब मैं आपको ना रेशो के डिस्कशन वाले सवाल बताने लगा। इससे पहले सवाल वो कर रहे थे जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन होती थी, लेकिन अब वो सवाल जिसमें डिस्कशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे इसमें कहा है कि रीजंस बताने हैं आपने, इसको मैं डिस्कशन वाला सवाल कह रहा हूं, कमेंट वाला सवाल कह रहा हूं। तो वैल्यूज तो कैलकुलेट हो गई, अब उनके कंपैरिजन में कुछ अंग्रेजी लिखनी है ना, तो उस अंग्रेजी के दो टुकड़े बता रहा हूं। एक आप कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा बेहतर है, और दूसरा उस बेहतर होने की पॉसिबल रीजंस बताएंगे। ये कहा है मैंने। ये मैंने नोट्स में ना स्ट्रक्चर, वैसे तो आई कैप की बुक में फार्मूले हैं सारे, लेकिन मैंने सिर्फ ये नोट्स इसलिए बनाए थे कि मैंने इसमें फार्मूला लिखा, फार्मूले का रिजल्ट बेहतर क्या है, और ब्रीफ सा के रेशो बताती क्या है, और पॉसिबल रीजंस, हायर आंसर क्या रीजन होती है और लो आंसर की क्या रीजन होती है। दो दो तीन तीन बुलेट पॉइंट्स मैंने सब में लिखे हुए हैं, तो ये हर एक रेशो में मैंने इस तरह से टू दी पॉइंट बातें लिखी हुई हैं, और आप याद कर लेंगे तो आसानी है, लेकिन याद करना इट्स सेल्फ एक मुश्किल काम है, तो इसलिए दिमाग इस्तेमाल करते हैं। अभी जो आपसे करवा भी रहा था, जीपी रेशो ज़्यादा होने का रीज़न, हम अच्छी सेल प्राइस ज़्यादा चार्ज कर पा रहे हैं कंपेटिटर्स के मुकाबले में, सप्लायर से डिस्काउंट ले रहे हैं, ये रीज़न हो सकते हैं। और अगर हम जीपी रेशो में कम चले गए तो इन्हीं को उलट कर सकते हैं। तो देखें यही रीज़न लिखे हुए, प्राइस हमने बढ़ा ली है, परचेज कॉस्ट कम कर ली है, मैनुफैक्चरिंग बिजनेस है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर ली है, और अगर जीपी रेशो डाउन हो गई तो इसी का उलट हो गया, इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ गया। नेट प्रॉफिट बेहतर होने की क्या रीज़न हो सकती है? एक रीज़न ये तो है ही है कि जीपी ज़्यादा हो गया, ये तो है, हमने कोई और अदर इनकम कमा ली, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर लिया, और अगर इंटरेस्ट कम होना रीज़न हो सकती है, और अगर नेट प्रॉफिट कम हो गया तो इन्हीं को उलट, ये नेट प्रॉफिट के पॉसिबल रीज़न है। तो इसी तरह से ना सब रेशोज में ये मैंने पॉसिबल रीजंस लिखे हुए हैं। अच्छा पेज टू पे ना ये मैंने काम किया था, ये ACCA में जब पढ़ाता था, बहुत पुरानी बात है, उसमें एक सवाल में ऐसा आया हुआ था, उसकी वजह से मैंने अपने ये मैंने जो रेशोस के नोट्स बनाए थे ये साइंस थोड़ी सी लिखी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतनी गहराई कन्फ्यूज़ कर देगी, तो इसलिए मैं हसबे तौफीक जिसको ये वाली कहानी, ये मैं पेज टू पे हूँ अपने नोट्स में, जिसको ये वाली कहानी पढ़ के समझ आए और वो मुझसे कन्फर्म करना चाहता हो तो अलग से पूछ लेना, आवाम के लिए ये रहने दें, इसलिए मैंने नहीं समझाई ये क्लास, क्लास में बात नहीं समझाई, आम आवाम के लिए नहीं है। उसके अलावा देखिए रेशोज में ना मैंने सारी रेशोज में इसी स्ट्रक्चर पे नोट्स लिखे हुए, फार्मूला लिखा हुआ है उस पे कमेंट करने के लिए, रिजल्ट हायर बेटर है कि लोअर बेटर है उसका मतलब लिखा हुआ है आपके समझाने के लिए, और पॉसिबल रीजंस लिखे हुए हैं। और ये सारे पॉसिबल रीजंस जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि किसी साइंसदान ने केमिस्ट्री के फार्मूले लिखे हैं जिसकी सिर पैर नहीं है, बस रट्टा लगाना पड़ेगा, नहीं, ये खुद भी लिख सकते हैं। अगर इनकम स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को सोच के खुद बिजनेसमैन बन के सोचें तो सारे पॉइंट्स खुद भी लिख सकते हैं, और ये है जो एग्जामिनर स्टूडेंट से चाह रहा होता है बस। तो ये आप अगर पढ़ के इनसे मुत्तफिक हों तो इसका मतलब आपने खुद सोच लिए, नहीं मुत्तफिक हों तो याद कर लेना। तो ये पॉसिबल रीजंस मैंने हर फार्मूले के साथ साथ दिए हुए हैं। अब देखते हैं सवाल ये वाले, एक सवाल है आपकी बुक में और बड़ा, चलो सामने खोल लेता हूँ, ये ऑटम 17, यहाँ पढ़ा जा रहा है तो यहाँ देख लें, नहीं तो बुक में खोल के देख लें, ऑटम 17। इसका मैं आंसर करने नहीं लगा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि देखा कितना आसान सवाल था। 12 नंबर है, कोई स्पेसिफिक कहानी नहीं है, रेशो कैलकुलेट भी नहीं करनी, रेशोज भी गिवन है, और आपसे पूछा है हाँ जी, तो ये जनरल, बस जनरल जनरल दो दो तीन तीन पॉइंट्स हैं। हाँ हाँ इन सबको एक एक करके, फॉर ईच रेशो गिव पॉसिबल रीजंस फॉर वेरिएशन फ्रॉम, हाँ लेकिन लेकिन थोड़ा सा एहतियात क्या करना है कि 2017 को
इससे भी कंपेयर करना है, इससे भी कंपेयर करना है, तो ये दो अलग अलग हेडिंग्स में आंसर बनेगा, क्योंकि ये पास्ट से ज्यादा है लेकिन इंडस्ट्री से कम है, तो इसके रीजन और होंगे, इसके और होंगे, इसलिए ये 12 नंबर है, कि ये डबल सवाल बन गया। तो पास्ट से कंपैरिजन के रीजंस और इंडस्ट्री से कंपैरिजन के रीजंस अलग लिखने, ठीक है? हो गया सवाल? हो गया? ये देखें, स्प्रिंग 18 भी होने लगा है। बूम लिमिटेड, इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। इनकम स्टेटमेंट में कोई मुश्किल सी फिगर जो ना समझ आ रही हो? रेवेन्यू मतलब सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, पीबीटी, टैक्स, पैट। बैलेंस शीट में पीपीई, करंट एसेट्स, कैपिटल और रिजर्व्स, ये इक्विटी होती है 5000। नॉन करंट लाइबिलिटीज, आपके लेवल पे लोन वगैरह ही होगा, करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज यानी लोन का करंट पोर्शन नहीं, क्रेडिटर्स बिला वजह करंट पोर्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक कहानी नहीं है। इंडस्ट्री की रेशोज गिवन है 4 नंबर, ये वाली रेशोज बीएल की कैलकुलेट करनी है, और 7 नंबर, इन सब में वन पॉसिबल रीजन बताना। तो जो इंडस्ट्री से ज्यादा आई होगी आप उसमें हाई वाली रीजन बताएंगे, जो कम आई होगी उसमें लो वाली रीजन बताएं। हो गया सवाल? हो गया? नहीं, ये तो होमवर्क भी हो गया ये। अच्छा नहीं, सीरियसली, ये जो कैलकुलेशन के 3 सवाल इन्फेक्ट हो गए, 3 कल भी सवाल कैलकुलेशन ही की थी, 2 आज आपने ही किए हैं, तो बहुत मुश्किल है कैलकुलेशन। तो वो कैलकुलेशन करके उसके बाद एक एक पॉसिबल रीजन है, लेकिन ये चलें हस्बे तौफीक करना है, तो ये 2 होमवर्क हो गए, ये हस्बे तौफीक होमवर्क है। ऑटम 21, ये 3 क्लासें पहले, 2 क्लासें पहले लेक्चर 62 में किया था आपने सवाल, पार्ट बी, सजेस्ट 4 पॉसिबल मेजर्स कि हम वर्किंग कैपिटल साइकिल को कम कर सकें। जी, कहीं रट्टा नहीं है, ये भी नहीं मैं कह रहा हूं पॉसिबल रीजंस में से, लेकिन अब आपने कैलकुलेशन के सवाल कर लिए, सुचवा भी दिया आपको वो पिछला वाला सवाल, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी इन्वेंट्री पीरियड, डेटर पीरियड, क्रेडिटर पीरियड, वो कह रहे हैं कि इसको अगर कम करना है तो बताएं 4 मशवरे। डेटर्स को डिस्काउंट ऑफर करें ताकि वो जल्दी पैसे दें, और डेटर्स को फॉलो अप अच्छा करें ताकि पैसे इनसे जल्दी मिल जाएं, क्रेडिटर से थोड़ा उधार बढ़ाने की मिन्नतें करें, इन्वेंट्री की प्राइस थोड़ी कम करके बेचने की कोशिश करें कि जल्दी बिक जाए। बस हो गए 4? हो गया? ये हुआ है सवाल? फिर आपने एक सवाल इसके बाद किया था स्प्रिंग 19, ये किया था 3 नंबर, 3 पॉसिबल मेजर, वो 4 मशवरे मांग रहा था, ये 3 मशवरे मांग रहा है कि वर्किंग कैपिटल को कैसे इंप्रूव करें, वही मशवरे। हो गया? ये स्मार्ट वर्कर टरखाना नहीं कहते इसको, ये हो रहा है, ये टपा नहीं रहे हैं, ये हो गया है। नोट्स का आखिरी पेज, अच्छा लव्ज आखिरी बोलता ना तो लगता है शायद आखिरी बात हो रही है, नहीं है, अभी चल रही है क्लास। नोट्स का आखिरी पेज जिसमें लिमिटेशंस हैं जो आपको मैंने आईकैप की बुक से कॉपी करके यहाँ डाल ली, और इनमें कहा था कि इतनी सारी अंग्रेजी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये हेडिंग भी याद कर ली तो एक एक लाइन उसके लिए बना सकते हैं। अब वो लाइन में लिखना क्या है तो समझ भी तो आना जरूरी है। रेशो एनालिसिस में हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? ये मैंने लिखा है, जब आपसे कहो ना चलो रेशो का चैप्टर खत्म हो गया तो याद करा देना, ये रहता है। जी क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रेशो एनालिसिस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं या तो एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से, या उस बिजनेस के अपने ही पिछले साल से। एवरेज की कुछ नसीहतें बताई थी और कहा था एक नोट लिखवाना है, उसकी जगह छोड़ लें। पहुंचे? अच्छा, ये लिमिटेशन वाली बात नहीं है, ये एक बीच में बात आएगी थी, वो मैं आया हूं लिमिटेशन पे बाद में वापस आता हूं। ये सवाल है जो आपने अभी कुछ देर पहले किया था,
इसमें वर्किंग कैपिटल 18 और 17 का पूछा हुआ था, तो 16 क्यों गिवन था? एवरेज करने के लिए। अगर एक ही बिजनेस के मुख्तलिफ ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं और जिन रेशियोज में एवरेज निकालनी है तो डेटा भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए जब 18 की कैलकुलेशन करनी थी तो एवरेज के लिए 18-17, और जब 17 की रेशियोज निकालनी थी तो 17-16। लेकिन इस सवाल में आपको उन्होंने 16 और 17 दोनों की रेशियोज कही हैं, तो फिर एवरेज निकालने के लिए 15 का डाटा भी होना चाहिए था ना? नहीं है। तो 17 का सवाल सॉल्व करते हुए तो एवरेज कर सकते हैं, और 16 का सवाल करते हुए एवरेज नहीं कर सकते। तो अब इसमें एग्जाम की नसीहत यह है कि अगर एक ही बिजनेस के 2 साल का कंपैरिजन है तो आप रीसेंट ईयर में तो एवरेज वैल्यूज निकाल सकते हैं, लास्ट ईयर में नहीं निकाल सकते ना। तो आपके पास 2 हल हैं। दोबारा, अगर एग्जाम क्वेश्चन में एक ही बिजनेस के 2 साल कंपेयर हो रहे हैं रेशियोज एनालिसिस से, तो जो लेटेस्ट ईयर है उसमें तो एवरेज निकाल सकते हैं, लास्ट ईयर में एवरेज नहीं निकाल सकते। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 हल हैं जो आपको नोट लिखना पड़ेगा। वो तो है एक ही कंपनी, मतलब एक कंपनी का एक ही साल है बस, वो तो फिर क्लोजिंग ही है ना मजबूरी। ये दूसरा नोट की जगह छुड़वाई थी, तो दूसरा नोट बता रहा हूं कि अगर एक बिजनेस के मल्टीपल ईयर्स हैं और उनमें रेशियोज निकालनी है तो रीसेंट ईयर के लिए तो एवरेज का डाटा है लेकिन लास्ट ईयर के लिए एवरेज का डाटा नहीं है, तो उसके 2 हल हैं। पहले यहां तक लिखे, फिर 2 हल बताता हूं। सिर्फ मुझे बताने आए थे, मुझे बताने आए थे, तो क्लास चल रही है अभी, 2 तो बच जाएंगे कम से कम। मैंने तो मैसेज भी नहीं पढ़ा था ध्यान से, वो एमएफए की क्लास में बता देना। करीब से ही आई हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जाओ आप आराम से, देर लग जाएगी। कल वाली मंडे वाली क्लास में बता देना। हाँ जी, सर की आवाज़ आई थी कहीं से। हाँ जी, दोबारा बोल दूँ जो बताया है? मैं तो काफी देर से बता रहा हूँ, कौन सी वाली बात? ये जो भी नोट लिखवा रहा हूँ दोबारा सुन लीजिए। अगर एक बिजनेस के मल्टीपल ईयर्स की रेशियोज निकालनी है, चलो 2 ईयर्स की रेशियो निकालनी, चले ऐसे कह लेते हैं, तो जो रीसेंट ईयर है उसमें तो एवरेज वैल्यूज निकाल सकते हैं लेकिन पिछले ईयर की एवरेज वैल्यूज का डाटा नहीं है, तो उसके 2 हल है। हाँ भाई, 2 हल तक पहुंचे यहां तक। और ये जो दोनों हल है ना, ये आपने पेपर में लिखना है नोट। एक हल ये है जो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है कि करंट ईयर की एवरेज निकाल सकते हैं, इसकी तो निकाले ना, और पिछले ईयर की बस क्लोजिंग फिगर ले लें, एक ये हल है। दोबारा, एक हल ये है कि जो रीसेंट ईयर है उसकी एवरेजेस लेंगे और जो पिछला साल है उसके क्लोजिंग लेंगे, और आप ये नोट पेपर में लिख रहे होंगे। 17 की रेशियोज में एवरेज वैल्यूज यूज कर सकते हैं ना, 16 में तो फिर क्या करेंगे, क्लोजिंग ही यूज करेंगे। लेकिन ये बात आप पेपर में लिखेंगे कि 2017 की हम एवरेजेस निकाल सकते थे इसलिए एवरेजेस निकाली हैं, 16 की एवरेजेस नहीं निकाल सकते थे इसलिए क्लोजिंग फिगर ली हैं। एक ये हल है जो आपने लिखना है सॉल्यूशन में। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। 17 में इस फॉर्मूले के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं ना, कैसे इनका एवरेज। लेकिन 16 में जब आप इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल रहे होंगे तो क्या एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं? क्यों नहीं, 15 नहीं है, तो फिर इसमें इन्वेंट्री कौन सी लेंगे? क्लोजिंग ना। ये कह रहा हूं कि जो करंट ईयर है उसमें तो आप एवरेज फिगर्स यूज करेंगे लेकिन प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग ही यूज करेंगे, और ये पेपर में लिखना भी है कि 2017 में हम एवरेज इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डेटा है, और 16 में एवरेज निकाल नहीं सकते इसलिए क्लोजिंग यूज कर रहे हैं, ये बात मेंशन करेंगे। ये वाला हल मुझे पर्सनली ज्यादा लॉजिकल लगता है, और कुछ टीचर्स को भी। दूसरा हल बताऊं? दूसरा हल ये है जो आईकेएफ के सोल्यूशन में भी ऐसे ही था, लेकिन मुझे ये कम लॉजिकल लगता है, लेकिन दोनों ही चल, क्योंकि कुछ टीचर्स को ये दूसरा हल भी ज्यादा ठीक लगता है, तो दोनों हल बता रहा हूं, आप दोनों में से जो मर्जी करें, लिखना जरूर है पेपर में। दूसरा हल ये है कि चूंकि 2016 की हम एवरेजेस नहीं निकाल सकते इसलिए हम 17 की भी नहीं निकाल रहे और दोनों में क्लोजिंग यूज कर रहे हैं। दूसरा हल ये है कि क्योंकि 2016 की एवरेजेस नहीं कैलकुलेट कर सकते, 2015 का डाटा नहीं है, इसलिए हम 2017 में भी क्लोजिंग फिगर यूज करने लगे, क्योंकि मकसद तो कंपैरिजन है ना।
जो आपने करना है वो नोट लिखना कि हम ये कर रहे हैं। रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन, यानी अच्छा एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि ये जो हमने एवरेज इन्वेंट्री ली है तो जरूरी तो नहीं है कि वाकई ही इतने दिन में चीजें बिक रही हूं, तो इसलिए ना ये जो रेशियो एनालिसिस होता है ये बस रफ रफ सा हिसाब किताब होता है, ये परफेक्ट नहीं होता। जैसे अगर मुल्क की टॉप गवर्नमेंट लेवल पे ये प्लानिंग की जा रही हो कि हमारे यहाँ मुल्क में पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपये, तो अच्छा इसको हमने 12,000 तक ले जाना है, इसका मतलब ये है कि वाकई हर बंदा 10,000 कमा रहा है, नहीं। लेकिन अगर हर बंदे से पूछना शुरू करेंगे तो 25 करोड़ लोगों से पूछते पूछते 25 साल लग जाएंगे। तो इसलिए ये जो डिसीजन मेकिंग होते हैं ना, इनके लिए टाइम बहुत ज्यादा लगाने से बचने के लिए रफ रफ एवरेज कैलकुलेशन, तो रेशियो कैलकुलेशन बस इस काम के लिए, तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशन भी है। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं? एक लिमिटेशन है कि हिस्टोरिकल, हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके लिए फिगर्स कौन सी हैं? गुजरा हुआ पीरियड है, फ्यूचर तो है ही नहीं, तो ये गुजरे हुए पीरियड की बेस पे एनालाइज हो रहा होगा, ये इसकी लिमिटेशन है। अब इसके लिए 3 लाइनें रटने की जरूरत नहीं है इस वर्ड से, हिस्टोरिकल के गुजरे हुए पीरियड की इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल वर्सेस करंट, 2023 और 22 को कंपेयर कर रहे हैं, 2023 में महंगाई भी तो ही है ना, 2022 में तो महंगाई और थी, तो जब उन 2 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं तो इतना अच्छा कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि तब महंगाई का लेवल और था, पिछले साल और था। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं ये वाला बता गया हूं, ये मैं ये बता गया हूं। इसका जवाब ये है कि इनकम एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इस साल की कैलकुलेशन है, जबकि बैलेंस शीट में तो एसेट्स को 15 साल पुराने भी हो सकता है आ रहे हों, रिटर्न ऑन एसेट्स, तो वो जो एसेट्स आ रहे होंगे वो तो 15-15 साल पुरानी लैंड बिल्डिंग आ रही होंगी, वो तो तब किस हिसाब से खरीदी हुई चीजें थी, जबकि इनकम एक्सपेंसेस फॉर द ईयर की इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये एसेट्स बहुत पुरानी वैल्यूज के आ रहे होंगे, इनकम एक्सपेंसेस फॉर द ईयर फिगर्स होंगी, ये है। और इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ये है कि 2023 और 22 का कंपैरिजन इसलिए फेयर नहीं बन रहा क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई हुई है। एग्रीगेट करना क्या होता है? तो ये एक अच्छा, ये ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए याद तो करना ही है, हैं ये बेकार बेकार से। एग्रीगेशन लिमिटेशन ये है कि एक बिजनेस को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं तो वो हो सकता है करंट लायबिलिटीज में कुछ और चीज़ें क्लब कर रहा हो, दूसरा कुछ और क्लब कर रहा हो, या फिर एक बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ और रख रहा हो, दूसरा कुछ और रख रहा हो, तो वो जिस तरह से वो टोटलिंग कर रहे हैं उस हिसाब से फर्क हो सकता है। क्या जी? नहीं, कुछ लाइन आइटम सेम होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें बिजनेसेस की मर्जी होती है, बिजनेस नेचर पे डिपेंड करते हुए। जैसे कुछ बिजनेसेस इनकम स्टेटमेंट के फेस पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, कुछ होंगे वो एडमिन अलग, सेलिंग अलग, अदर अलग, वन ऑफ अलग लिख रहे होंगे, तो उसमें कंपैरिजन मुश्किल होगा। वही कह रहा हूँ ना कि IS-1 ने कह दिया कि मुनासिब सा फॉर्मेट ये है। अब कोई कंपनी दुनिया वालों को ज़्यादा डिटेल बताना चाहती है, कोई कंपनी डिटेल नहीं बताना चाहती है, तो उनकी एग्रीगेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतना अच्छा पॉइंट नहीं है ये, पॉइंट है बस। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट बिजनेसेस की अलग अलग हो सकती हैं, हो सकता है कोई स्ट्रेट लाइन से करता हो, वैसे अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती स्ट्रेट लाइन, लेकिन हो सकता है कोई इन्वेंट्री फाइफो से करता हो, कोई वेटेड एवरेज से करता हो, तो उसकी वजह से कंपैरिजन इतना फेयर नहीं रह जाएगा। बिजनेस कंडीशंस 2023 और 2020 हालात फर्क थे, क्यों? कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। तो अब अगर हम अगले पिछले साल को कंपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है 2020 में बिजनेस ने 200 मिलियन भी किया हो तो बहुत अच्छा हो, और अब के हालात में इतनी महंगाई हो गई है 300 मिलियन भी बेकार हो, तो इसलिए बिजनेस कंडीशंस डिफरेंट होने की वजह से इतना अच्छा कंपैरिजन नहीं है। और इंटरप्रिटेशन में ये लिखा हुआ है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है इंटरप्रेट करना। और कंपनी स्ट्रेटजी, हो सकता है कोई कंपनी की स्ट्रेटजी ही यही हो कि एग्रेसिव चलना है और उससे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और हम कहें कि इतना स्टॉक रखते हैं ये तो अच्छे लोग ही नहीं है, तो कंपनीज की स्ट्रेटजीज भी तो फर्क हो सकती है, कुछ कंजर्वेटिव हो सकते हैं, कुछ अग्रेसिव हो सकते हैं। तो ये कुछ बकवास बकवास से पॉइंट हैं, इनमें से जितनी भी आप रिटेन कर सकें। नहीं नहीं अभी नहीं, अरे अभी तो कमेंट वाला सवाल तो कराना है, ये वाला मैंने तो आपको देखे पहले पूछा था आप ऐसी बातें ना करें, तब आपने कहा नहीं नहीं सर आज खत्म, सर पाकिस्तान जिंदाबाद आज ही करेंगे। ऑटम 26 नंबर, हो गया अच्छा जी, ऑटम 21, स्प्रिंग 22, ऑटम 22 में था ही नहीं, स्प्रिंग 23 होमवर्क दिया है, ऑटम 23 चलें अब इस पे आते हैं। ये आप जो कि फारिक बैठ बैठ के बोर हो गए तो रेशोस कैलकुलेट कर दें,
नहीं करनी सिर्फ, नहीं, होमवर्क होमवर्क नहीं, ये कराने लगा हूं अब। ऑटम 23 में ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये 8 रेशोज अभी कैलकुलेट कर दें, फिर आपको मैं इस कहानी से रिलेट करना ये करके बताता हूं। बस ये आखिरी सवाल, एक सवाल बहुत है ये कहानी से रिलेट करने वाला, आसान है बहुत जी, है रेशो एनालिसिस का आखिरी सवाल है। ऑटम 23 का क्वेश्चन होगा आपके पास, नहीं है तो ये सामने देख ले। चले ये रेशियोज के, ये रेशियोज के नाम तो अपने रजिस्टर पे लिखे ना, फिर मैं ये डाटा खोल देता हूं। ये रेशियोज के नाम है, ये रेशियोज निकालनी है। ऑटम 23 बुक में कैसे होगा भाई, अभी रिसेंट है, ये पहले कभी ग्रुप पे आया होगा? चले सामने खोला है ना, इधर देख लेना, ये 8 रेशोज निकालनी है, इनके नाम लिखे अपने पास ताकि मैं ये सामने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट लाऊं ना। जीपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओसीई, ये एवरेज टाइम टू पे क्या है, क्रेडिटर का जो पीरियड है, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्विक रेशो, इंटरेस्ट कवर, एसेट टर्नओवर क्या होती है, एसेट्स टर्नओवर, सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, सेल्स, ये भी एक रेशो थी कल, एसेट्स टर्नओवर होती है सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, और एसेट्स टोटल भी ले सकते हैं, नॉन करंट एसेट भी ले सकते हैं, और इन्वेंट्री टर्नओवर। ये मैं क्वेश्चन 8, अच्छा अब ये हंसी मजाक खत्म हो गया, मैं आपको ये कमेंट्स वाला सवाल करा रहा हूं, ऑटम 23 क्वेश्चन 8, ये टोटल ना तकरीबन कोई 4 सवाल हैं जिनमें कहानियां बताई होती है, एक मैं बता रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं, हैं बाकी भी होमवर्क ही रखें। अच्छा देखें मेरी बात सुने, क्या ये रेशियोज की कैलकुलेशन बोर्ड पे मैं करूंगा तो प्रैक्टिस होगी? नहीं सीरियसली, नहीं ये तो आपने कैलकुलेट करने हैं ना, और ये जो कमेंट्स बता रहा हूं ये अंग्रेजी बोर्ड पे लिखनी है, तो ये आपने ही कर रहे हैं ना फिर। तो एक सवाल मैंने आपको ये कहानी वाला सामने डिस्कस करके दे दिया अगर, तो जो इसके जैसे 2 और हैं वो फिर आप नहीं करने होंगे, अब उनको डिस्कशन में लाना है, इसीलिए होमवर्क करके एक एक दे दूंगा, नहीं लाना तो मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है, आप सारे सवाल करें, डिस्कशन में आ जाए, इसीलिए एक एक दिन होमवर्क की बात कर रहा हूं। क्या है ये, मुझे फिगर्स बताइएगा, 1.5, ये इंडस्ट्री की फिगर्स हैं और यही रेशोज, ये आपके पास डाटा खोल दिया मैंने, ये क्या क्या हुआ, हाँ कैपिटल, हाँ शेयर कैपिटल, नहीं तो मैंने कल जो खुद बोर्ड पे फिगर लिखी थी उसमें कैपिटल रिटेन अर्निंग्स नहीं लिखा था, कल जो मैंने बोर्ड पे सवाल लिखा था कैपिटल और रिटेन अर्निंग तो लिखा था मैंने, तो ये यही है ना, ये इक्विटी है, शेयर का वर्ड नहीं था कैपिटल। जिन्होंने नहीं कैलकुलेशन करनी वो ना करें, जो अच्छे बच्चे हैं वो कर दें, ये सामने इंडस्ट्री की फिगर्स दी हुई हैं और इस कंपनी की ये रेशियोज 8 कैलकुलेट करके यहां लिखनी है, फिर मैं कहानी से रिलेट करना बताता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड में ये इक्विटी है और ये डेट है, ये डेट थोड़ी है, ट्रेड पेबल तो क्रेडिटर्स होते हैं, तो ये डेट तो नहीं है, वो अगर करंट पोर्शन ऑफ बैंक लोन हो तो, अगर करंट पोर्शन अलग कह के दिया हुआ है वो डेट में शामिल करना है, क्रेडिटर्स थोड़ी डेट है, इसमें कहीं कहा है कि करंट पोर्शन ऑफ लोन भी है, तो बस यही है डेट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किधर है, इसमें से ये माइनस कर लें या इसमें ये एडबैक कर लें, तो पीबीआईटी आ जाएगा,
18.77 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पीबीआईटी डिवाइडेड बाय ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, जी 9.95। क्रेडिटर्स पीरियड, क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365, जी कितना 20.7। क्विक रेशो, इन्वेंट्री छोड़ दें, ये दोनों डिवाइडेड बाय ये दोनों, कितना? ये क्रेडिटर्स हैं डिवाइडेड बाय ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं इनटू 365, 75 आ रहा है, ठीक है 70। तो 20 कैसे आ गया था भाई? क्विक रेशो 6, इंटरेस्ट कवर पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, जी 2.। एसेट टर्नओवर सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स भी हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, इसमें कौन से हैं पता नहीं, तो इसमें आप जो भी लेंगे ना उसके हिसाब से ही जवाब आपका मार्क किया जाएगा। तो बेशक नॉन करंट एसेट्स ले लें, सेल्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स ले लें, चलें हैं, मैंने ज्यादा मशहूर नॉन करंट नहीं कहा था जी 1.29। इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री 4.12। हाँ जी, कौन सी रेशो में एतराज है? आरओसीई होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी, पीबीआईटी कितना है? 12,000 समथिंग ना, ये हो गया पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इक्विटी प्लस डेट, तो ये तीनों, तो इतना नहीं है, ये ले भाई, ये ले जल्दी भाई, जो लोग भी कर रहे थे कैलकुलेशन किसी आंसर पे इतराज, अगर ये कहानी ना बताई होती ये सारी कहानी और बस कहते पॉसिबल रीजंस बता दें तो जनरल बताते, जैसे जीपी रेशियो हमारी पिछले साल से कम हो गई तो क्या पॉसिबल रीजन बताते, जीपी रेशियो पिछले साल से कम हो गई, सेल प्राइस कम हो गई, हमें सप्लायर से डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा, महंगी मिल रही हैं चीज़ें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कम हो गई, एक तो जीपी कम हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहे, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, आरओसी प्रॉफिट कम होता है ना तो ये कम ही होता है, हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए, एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हो रही, क्रेडिटर पीरियड बहुत बढ़ गया, हमारे पास पैसे नहीं है हम क्रेडिटर को दे नहीं पा रहे, या फिर हमें और क्रेडिटर ढूंढे हैं जो ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, तो ये जनरल जनरल रीजन होते, लेकिन अब जब सवाल में कहानी बता दी ना तो फिर पॉसिबल रीजन आपको इस अंग्रेजी में से ढूंढने हैं, ये अंग्रेजी पढ़ लें फिर डिस्कस करता हूँ।
एसेट टर्नओवर होता क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स भी चल जाता है, डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स भी चल जाता है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड भी चल जाता है। तो ज्यादा प्रेफर्ड होता है नॉन करंट एसेट्स, तो सेल्स को नॉन करंट एसेट्स जो कि ऊपर फिक्स्ड एसेट्स के नाम से दिए हैं उनसे डिवाइड किया है। जी अब जब हमने पॉसिबल रीजंस बताने हैं ना, तो फिर इनमें से ढूंढना है जीपी कम क्यों हुआ है। अब जब आप ये कहेंगे ना सेल प्राइस कम हुई है, तो इससे बेहतर है कि उसको पता चले कि आपने सवाल से रिलेट किया, तो आप ये फिर जुमला बताएंगे कि न्यू आउटलेट पे सेल प्राइसेस कम रखी थी टू अट्रैक्ट कस्टमर, ये रीजन होगा इसलिए जीपी कम हुआ है। और इनमें से कुछ और नहीं, जीपी रेशो कम होने की बात हो रही है, नहीं जीपी परसेंटेज। जी इस अवेलेबल में से तो ये एक ही रीजन मिल रहा है, तो इसलिए हम वो एक ही रीजन लिख देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। एक तो जीपी कम हुआ है, दूसरा हमने कितने गए, हमने सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज की, डिस्पाइट नहीं, हमने सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज की हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस लगे होंगे, मार्केटिंग एक्सपेंसेस लगे होंगे, और इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट नहीं डालना बीच में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी होता है। एक तो प्रमोशनल एक्टिविटीज हुई, इन पे एक्सपेंसेस लगे होंगे, न्यू आउटलेट खोली है तो कौन सा हो सकता है, न्यू आउटलेट खोलने के कुछ एक्सपेंसेस हो तो वो हो गए ना प्रमोशनल, और नहीं है, और जीपी कम हुआ है और प्रमोशनल एक्टिविटीज हुई है तो सेलिंग एक्सपेंसेस हुए होंगे, और है इसमें मिलेगा जवाब। अच्छा चलिए पहले पहले बुलेट पॉइंट में ढूंढें, वो तो पीबीआईटी, तो कम हुआ है ऑपरेटिंग, जवानी लगाई आपने गाई इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन ज्यादा हुई होगी, एक नई आउटलेट, एक नई शॉप खरीदी है तो उसके एसेट्स पे डेप्रिसिएशन ज्यादा हुई होगी, तो प्रमोशनल एक्टिविटीज हुई है, एक्सपेंसेस हुए होंगे, नई आउटलेट खरीदी है, डेप्रिसिएशन हुई होगी, सेल प्राइस कम किया है तो जीपी कम हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशो कम हो जाती है ना, दोबारा देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, न्यूमिनेटर कम हुआ हो सकता है, डिनोमिनेटर बढ़ा हुआ हो सकता है, तो न्यूमिनेटर कम होने के तो सेम रीजन दोबारा लिख सकते हैं, जीपी कम हुआ, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिनोमिनेटर बढ़ना, एक लोन और लिया, तो पॉसिबल रीजंस में अब जनरल की बजाय नहीं पीबीआईटी है, अभी आरओसी होता है पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें अभी इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी, क्रेडिटर्स पीरियड बढ़ गया, क्रेडिटर पीरियड की फार्मूला होता है क्रेडिटर्स परचेजेस इनटू 365, तो साल के दिन बढ़ गए इसलिए आंसर बढ़ गया। हमारे पास जितने पैसे थे वो तो हमने लगा दिए सेटअप खरीदने में, इन्वेंटरी खरीदने में, सॉरी क्रेडिटर से हमने एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी ली है, यानी ज्यादा दिनों का क्रेडिट ले लिया, तो चूंकि उधार पीरियड बढ़ा लिया इसलिए पेमेंट पीरियड बढ़ गया। क्विक रेशो, पैसे इस्तेमाल हो गए इन्वेंटरी खरीदने में, तो क्विक रेशो में इन्वेंटरी तो आती नहीं है, तो पैसे इस्तेमाल हो गए, कैश कम हो गया, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, इन्वेंटरी क्विक रेशो में नहीं आती, सारे पैसे हमने ये नई जो आउटलेट थी इसकी इन्वेंटरी पे लगाई, कैश गया और क्रेडिटर बढ़ गए, तो इसकी वजह से क्विक रेशो कम हो गई, इंटरेस्ट कवर कम हो गया, इंटरेस्ट कवर इज इक्वल टू पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, तो अब इंटरेस्ट कवर कम हो गया तो पीबीआईटी भी कम हुआ है, इंटरेस्ट भी बढ़ा है, तो एक तो पीबीआईटी वाले सारे रीजन आ गए, और इंटरेस्ट क्यों बढ़ा दोनों बातें बतानी पड़ेंगी, नया लोन लिया है और एग्जिस्टिंग ने भी इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो ये वैसे ज्यादा आसान नहीं, जनरल रीजन तो रटा ही लगाने पड़ेंगे, ये मुश्किल है। अच्छा एसेट्स टर्नओवर कम हो गई है, एक तो हमारे एसेट्स बढ़ गए, नई आउटलेट बनाई है, डिनोमिनेटर बढ़ गया, और सेल्स हमारी एक्सपेक्टेशन से कम हुई तो एसेट्स टर्नओवर कम हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर कम हो गया, कम हो गया, ये तो ज्यादा नहीं हुआ था,
हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर कम हो गया भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। सेल्स हमारी सोच से कम हुई और हमने नई शॉप पे काफी सारी इन्वेंट्री खरीद के रख ली, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बहुत बढ़ा दी, इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर कम हो गया। ये तो ये होता है कहानियों वाले सवाल में अपनी कहानियों को रिलेट करना। तो कमेंट्स या डिस्कशन वाले सवाल में या तो जनरल रीजन बताने होंगे, और अगर सवाल में कहानियां बता दी तो फिर सवाल की कहानियों से लिंक करना है। तो है जी, कौन से दो रहते हैं? तो एक ये होमवर्क है और एक होमवर्क है बिल्कुल इसी की तरह का था, बिल्कुल इसी जैसा ही था, स्प्रिंग 22 क्वेश्चन 7। ये दो सवाल होमवर्क है बस, बाकी जो है ना उससे पहले वाले आप ये तो बेटे करें ना, तो फिर वो भी एक दो दिन होमवर्क डिस्कशन के साथ लगा लूंगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि बोर्ड पे सर रेशो सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिस होती, वरना तो ये प्रैक्टिस ही नहीं हुई, तो ये नहीं सही बात है। रेशो आपने कैलकुलेट करनी है। ये चैप्टर हो गया, हाँ हाँ रहता रहता है। वर्टिकल क्या था उसमें? जिन कंपनीज को कंपेयर कर रहे थे उनको हमने कॉमन साइज करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया था, पर्पस इनका कंपेयर करना आसान था। तो अगर आपसे सवाल हुआ वर्टिकल पे तो वो यही करेंगे कि ये बिजनेसेस का वर्टिकल एनालिसिस कर दें। क्या करेंगे उसमें? इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की शक्ल बदल देंगे, नहीं, और उनकी परसेंटेजेस को कंपेयर कर लेंगे कि इसके एसेट्स बढ़ गए, उसकी यानी कमेंट्री कर देंगे, इसके एसेट्स बढ़ गए, वो देखो उसकी सेल्स बढ़ गई, वो देखो उसके एसेट्स कम हो गया। वर्टिकल एनालिसिस यही होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये होता है, ये ऐसे होने लगा। ये मैंने ना नोट्स में आखिर में एक सेकंड लास्ट पेज पे ये एक टेबल बना के चीज लिखी हुई है, ग्रोथ परसेंटेज निकालना। यानी अगर 2022 में सेल्स 480 मिलियन थी और 2023 में सेल्स 600 मिलियन हो गई तो कितने परसेंट बढ़ी? 25%। किसको किससे डिवाइड किया? 120 मिलियन को डिवाइड बाय इससे या इससे? हम इससे कंपेयर कर रहे हैं कि इससे कंपेयर करके कितना बढ़ा, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? इसको हम कहेंगे कि सेल, ये ग्रोथ है, ये मैंने ये फार्मूला ही बनाया है, 600 माइनस 480 डिवाइड बाय 480, या फिर 600 को 480 से डिवाइड करें, वन माइनस कर दें इसमें 25। ये हरकतें करने को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। ये एक ही बिजनेस के मल्टीपल ईयर्स को बेस ईयर से कंपैरिजन के लिए होता है। मिसाल के तौर पे 2021 को बेस ईयर कह देते हैं, 2022, 2023 सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, पीबीआईटी, नेट प्रॉफिट। ये मैंने मिसाल लिखी है, ये मैंने कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई है, मुख्तलिफ आइटम्स लिखी हैं। छः सौ मिलियन की सेल्स 2021 में थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स थी 420, पीबीआईटी था 90, नेट प्रॉफिट था 60, पीपीई था 1200। 2022 में सेल्स 540 हो गई, 2023 में 690 हो गई, ये कॉस्ट ऑफ सेल 22 में चली गई 380 पे, ये चली गई 470 पे, पीबीआईटी 70 हो गया, 130 हो गया, नेट प्रॉफिट 50 हो गया, नेट प्रॉफिट 75 हो गया, पीपीई 1400 हो गया, पीपीई 1800 हो गया।
कैसे निकलेगा? 540 600 के मुकाबले में कितने परसेंट कम या ज्यादा हो गया? 11। बेस ईयर कौन सा है? 2021। तो बेस से डिवाइड होगा जी, माइनस 10 इधर प्लस 15। चेंज डिवाइडेड बाय बेस, कॉस्ट ऑफ सेल 40 डिवाइडेड बाय 420 माइनस 9.5, 50 डिवाइडेड बाय 420 11.9, 20 डिवाइडेड बाय 90 40 डिवाइडेड बाय 90 पॉइंट 10 डिवाइडेड बाय 60 15 डिवाइड बाय 60 200 डिवाइड बाय 1200 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 1200। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। और इसमें ना आईकैप की बुक पेज 488 है जी, आईकैप की बुक उसकी वेबसाइट होती है, आईकैप की बुक में पेज 488, और इस पर पूरी बुक भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई पिक्चर खींच के ही ना एक पोर्शन की वो कोई ग्रुप में शेयर कर दे, एक 8-10 लाइनों का एक टॉपिक लिखा हुआ है विंडो ड्रेसिंग। ये सिर्फ ये बताया हुआ है कि विंडो ड्रेसिंग में फाइनेंशियल, विंडो ड्रेसिंग सुना नाम नहीं सुना? अरे विंडो शॉपिंग सुना हुआ। विंडो ड्रेसिंग ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स को कोई फनकारी ऐसे लगाएं कि उनकी फिगर्स फेवरेबल हो जाएं, उनकी फिगर नहीं फ्रॉड नहीं, कुछ ऐसी फनकारियां को ऐसे जुगाड़ लगाएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स ठीक हो जाएं। जैसे क्रेडिटर से जाके कहें कि यार सिर्फ 2 दिन दे दो, 2 दिन बाद तुम्हें देखना पैसे दे देंगे तुम, नहीं तो चीज़ें उठा के वापस ले जाना, बस हमने सिर्फ अपने स्टोर में लिख के ना डेबिट दिखाना है बस, तो हम उसको डेबिट इन्वेंट्री देखें जी हमारी कितनी ज़बरदस्त इन्वेंट्री है, क्या टर्म्स है ना, नहीं वो मैं क्यों उधार पे चीज़ें 2 दिन के लिए देगा। किसी से कहेंगे कि डेटर से कि पैसे तो तुमने देने थे हमें 15 दिन बाद, तुम ऐसा करो अभी दे दो हम तुम्हें परसों कर देते हैं वापस, बस अपनी बैलेंस शीट में दिखाने हमने। तो इस तरह की एक्टिविटीज करना जिसमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरा खूबसूरत लगे देखने में, इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। कई ब्रांचेस भी करते हैं इस तरह, बिल्कुल ऐसी करते हैं, बैंक्स भी करते हैं इस तरह की करते हैं। तो ये चूंकि सिलेबस में इसका नाम लिखा हुआ था तो ये हो सकता है कि ये एमसीक्यू की हद तक टेस्ट हो जाए। तो ये टोटल 10 लाइनें विंडो ड्रेसिंग के नाम से एक पैराग्राफ है जो आपको बता दिया, और ये कहा जी सम वेज जिसमें मैनिपुलेशन हो सकती है जो मिसालें दी हैं। तो ये अगर कोई भी बुक डाउनलोड करके पेज 488 शुरू में 8-10 लाइनें हैं बस, उसकी पिक्चर खींच के ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है जी। आखिरकार देखें 2:15 कहा था मैंने, नहीं नहीं अभी किसी ने क्लास इससे पहले पूछा था कब, मैंने कहा था 2:15, तो देख ले 2:15, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।